एक आदमी बावजू हो और वो अपनी अहलिया मोहतरमा को किस कर ले, बोसा कर ले और हाथ चूम ले, माथा चूम ले, सीने से लगा ले, तो कैसे वजू टूट जाता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बातें का अंदाज और माशाल्लाह बयान बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आपको जदा खैर दे। आमीन मेरा एक सवाल है आपसे कि जी। अगर वुजू किया हो, अगर जोजा को बोसा दें या उसका हाथ चूम ले या उसके करीब चूम ले, तो वुजू टूट जाता है या कायम रहता है? एक आदमी बावजू हो और वो अपनी अहलिया मोहतरमा को किस कर ले, बोसा कर ले और हाथ चूम ले, माथा चूम ले, सीने से लगा ले, तो कैसे वुजू टूट जाता है? अच्छा, देखें, अर्ज़ ये करनी है कि वुजू जो है वो बोसा लेने से और हक करने से तो वुजू नहीं टूटता, लेकिन अगर कोई आदमी जवान है और वो यानी अपनी अहलिया का बोसा लेता है या उसको हक करता है, तो उससे अगर कोई मादा है जिसको मजी कहते हैं, यानी एक मादा होता है, रुतूबत होती है जो इंसान की खारिज होती है, तो शर्मगाह से, तो असल में बोसा लेने से वुजू नहीं टूटता, लेकिन अगर वो मादा खारिज हो, तीन चीज़ें होती हैं। अभी मुझे तफसील से तो मैं बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई रुतूबत अगर शर्मगाह से निकले, थोड़ी सी भी निकले, तो उससे क्या होता है, वुजू टूट जाता है। गुसल फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन जो है वुजू टूट जाता है। अगर कोई ऐसी कोई रुतूबत नहीं निकलती और कोई इंतशार नहीं होता और बग़ैर शहवत के इंसान जो है वो उसने बोसा लिया है, तो उससे वुजू नहीं टूटता। अगर शहवत के साथ है और रुतूबत खारिज हुई है, तो उससे फिर वुजू टूट जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए, यानी अमल करने की क्या कि बीवियों को रिस्पेक्ट देने की, उनका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए।